जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जो है वो करीब करीब आ रही है और इस वक्त मवेशी मंडियों में जो है वो भी रश देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है, जिसके बायस जो है मवेशी मंडियों में जो है वो काफ़ी रश नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त शाह जहांगीर रोड की मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी बकरा मंडी जो है वो सजाई गई है और यहाँ पर लोग जो है वो भावताव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर जो है वो एक बकरा वाले के साथ भावताव कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या भावताव कर रहे हैं और वो जानवर खरीदने के मूड में नज़र आ रहे हैं। जी बताइएगा भाई, आप खरीद रहे हैं? तो खरीद रहे हैं, लेकिन इधर खरीदने वाला कोई रेट ही नहीं है। क्या बात जी, इतनी कर रहे हैं आप? ये बकरा आप देख रहे हैं, इसके 90,000। अच्छा भाई बताएं, क्यों आप बकरा क्यों नहीं इनको बेच रहे? बकरा दे रहे हैं 90,000 रुपये उन्होंने। वो कितना कह रहे हैं? वो 60। उनको कोई मिलता जुलता भाव करके दे दें। इस दफ़ा क्या मंडी तेज चल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना यह था कि पिछली दफ़ा जो है वो क्योंकि दाना जो है वो सस्ता था इसलिए जानवर थोड़े से सस्ते थे, इस दफ़ा जानवर जो है वो इंतहाई महंगे हैं क्योंकि इस दफ़ा उनको महंगा दाना दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब ईद में जो है वो थोड़े से दिन बाकी रह गए और हर बंदा जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है और मंडियों में जो है वो रश नज़र आता है और एक से एक जानवर जो है वो बकरे छतरे बैड़े लेले सब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राहक जो है वो आ रहा है लेकिन बारगेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि महंगाई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा जानवरों की बिक्री जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है। जी